बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने क्यों नहीं डाला हाथी पर वोट। बसपा सुप्रीमो का अपनी पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पर वोट ना दे पाने की मजबूरी देश में अधिकतर पार्टियों के तौर पर बहुजन समाज पार्टी जब से चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रही है तब से ये पहला मौका रहा है जब से उन्हें हाथी की जगह किसी और चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना पड़ा। उसका एक विशेष कारण ये भी था कि बहुजन समाज के अंदर जो गठबंधन हुआ है बसपा सपा और रालोद का, बसपा सुप्रीमो जब से चुनाव में भाग ले रही हैं तब से उनका पहला मौका है कि बसपा अपने चुनाव चिन्ह हाथी को वोट ना देना। जब उन्हें हाथी की जगह किसी और चुनाव चिन्ह का बटन दबाना पड़ा तो थोड़ा सा सोच में भी पड़ गई थी, लेकिन ये जब यह सब हुआ गठबंधन की मजबूती को देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने मायावती ने सोमवार को पांचवें चरण के लखनऊ में अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने मायावती ने अपने बूथ पर वोट डाला। दरअसल यूपी में 38 सीटों पर बसपा तो 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। दो सीटें अमेठी और रायबरेली कांग्रेस को दोनों दलों ने छोड़ी हैं और अन्य सीट गठबंधन के सहयोगी रालोद को मिली हुई हैं। लखनऊ की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई है और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को यहां से मैदान में उतारा है। गठबंधन के कारण सपा उम्मीदवार पूनम सिन्हा को बसपा ने भी समर्थन दिया है। भले ही कोई गठबंधन उम्मीदवार हो मगर ईवीएम पर उसी पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है जिस पार्टी ने टिकट दिया हो या फिर जिसके सिंबल से वह व्यक्ति नामांकन किया हो। इस बार लखनऊ में गठबंधन के कारण बसपा का उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं है, इसलिए ईवीएम में बसपा का चुनाव चिन्ह नहीं रहा। ऐसे में मायावती के सामने चुनाव चिन्ह हाथी की जगह दूसरे सिंबल पर वोट डालने की मजबूरी थी और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मजबूत गठबंधन को देखते हुए सभी नेताओं के सीटों का वोटिंग का चुनाव चिन्ह बदलने से अब सभी लोग अपने अपने गठबंधन प्रत्याशी को ही वोट डाल रहे हैं, इसलिए मायावती ने नहीं डाल पाई हाथी चुनाव चिन्ह पर अपना वोट और उन्होंने दिया अपना वोट गठबंधन को ताकि गठबंधन के सपने हो सकें साकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।